बॉडी रोल चेक करते हैं। एक नेगेटिव मुझे ये लगा कि यार इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, कि टॉप एंड चेक करते हैं कितनी जाती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरे पीछे जो गाड़ी है ना, उसका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारे चैनल पर इसकी ड्राइव वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, बट यार मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं। तो आज 2023 मारुति जिम्नी का प्रैक्टिकल ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। अब देखो यार, थार का तो स्पेशली मैं भी बहुत बड़ा लवर हूं, बट थार और इसको कंपैरिजन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। बट 4x2 को कंपेयर करके भी देखेंगे और इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे कि यार चलने में कैसी है, इनिशियल पिकअप कैसा है, कैसी क्या इसकी हैंडलिंग है, सारी बातें करने वाले हैं। बिकॉज यार स्पेशली मैं ग्रैंड विटारा ओनर हूँ, और ग्रैंड विटारा के बजट में अगर आप डेल्टा या जेटा वेरिएंट ले रहे हो तो इसका बेस मॉडल आ सकता है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन बन चुके हैं कि यार इस कार को लेना चाहिए कि नहीं, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करके रिफाइनमेंट बता देता हूँ मैं आपको इसकी। काफ़ी रिफाइंड इंजन है। अब देखो हमें यहाँ से यू टर्न लेना है, अब इतनी सी जगह पे टर्न होगी कि नहीं पता नहीं, पर ट्राई करते हैं। इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको चेकआउट करा दूंगा मैं। सो गाइस, अभी 4x4 पे ड्राइव कर रहा हूँ, यू टर्न लिया जैसा कि आपने देखा होगा। स्टेयरिंग का भी रिस्पॉन्स काफ़ी हार्ड आ रहा है। पहले इसी रोड पे 4x4 में इसका इनिशियल पिकअप चेक करते हैं, टॉर्च चेक करते हैं, देन हम जब अभी हाईवे पर जाएंगे देन 4x2 पर चला के देखेंगे। सो लेट्स गो। तो यार 60-70 की स्पीड, मतलब 4x4 में मेरे ख्याल से 70-80 के ऊपर जाते भी नहीं है। काफ़ी हायर RPM पे चलाया और यार इंजन बहुत ही रैव हैप्पी है। अंदर कुछ ऐसा बिल्कुल भी बेकार नोट नहीं आया जो आपको बाकी इंजन से आता है। सबसे पहले तो यार इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं। 1.5 लीटर का K15 B स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है, 103 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा एंड 134 Nm का टॉर्क आपको ऑटोमेटिक एज वेल एज मैनुअल के ऑप्शन के साथ आता है। एंड दोनों में जो पावर स्पेसिफिकेशन है ना, वो सेम ही रहने वाले हैं। अभी मैं इसका टॉप वेरियंट चला रहा हूँ, अल्फा ऑटोमेटिक, और यहाँ पे हम इसको 4x2 में शिफ्ट करके देखते हैं। अभी 4x4 पे तो हमने चला ली, अभी आप इसका बाहर से व्यू भी चेकआउट कर सकते हो। एट 4x2 पे हो नहीं रही थी इसलिए मैंने बोला भैया आप ही चेंज कर दो। सो जैसा कि यहाँ पर आगे देख सकते हो, थोड़ा ऑफ रोड पैच है और मैं 4x4 पे ही चला रहा हूँ। यहाँ पर इसके सस्पेंशन चेक करते हैं, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा यार ये पैचेस सच में। मज़ा आ रहा है इसको, मतलब सस्पेंशन की बात करें ना, सबसे पहले तो इसमें आपको 3 रिजिड लिंक सस्पेंशन मिलते हैं कॉइल स्प्रिंग के साथ, जैसा कि ये लैडर ऑन फ्रेम पे मिलती है। मारुति सुजुकी की पहली ऐसी गाड़ी है, और जैसा कि अब बहुत सारे मिथ रहते हैं, लोग इसको थार से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार जो अपनी जिप्सी लेगेसी की ये गाड़ी है। तो यार मैं आपको बताना चाहूँगा, महिंद्रा जब से ऑफ रोडिंग में नहीं है ना, तब से इनका प्रोडक्ट आ रहा है जिप्सी, जिप्सी किंग। आज भी आप देखोगे बहुत सारी वेब सीरीज़ में, या अभी आर्मी वाले लोग सब वही गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। तो यार जिप्सी की बात ही अलग थी, और कंपनी ने अभी रिसेंटली जिम्नी लॉन्च करी है। तो जैसा कि हमने अभी ऑफ रोड पैचेस पे चला, ये लिटरली यार बिल्कुल भी अंदर कुछ भी ऐसे जर्क्स फील नहीं हुए, बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है। एंड जिस पर्पज़ के लिए आप इस कार को लेना चाह रहे हो ना, क्रेजी ऑफ रोड के लिए, वो आपका फुलफिल होने वाला है। सबसे पहले विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं भी कुछ भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है, तो जिसके कारण आप एज अ बिगनर भी इस कार को लेना चाहते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आने वाला है। स्टीयरिंग फीडबैक भी देख लेते हैं। वैसे अभी मैं 4x4 पे चला रहा हूँ तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको थोड़ा हार्ड आएगा, बट आप 4x2 पे कर लोगे तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये पिलर पे कुछ भी ब्लाइंड स्पॉट आपको नहीं बन रहा है, पूरा यहाँ से व्यू जो है ना मुझे केबिन का बहुत ही परफेक्ट आ रहा है। रियर व्यू मिरर्स भी आप देख सकते हो, दोनों जगह से परफेक्ट मेरे को व्यू देखने को मिल रहा है। इसके थोड़े ब्रेक टेस्ट भी करेंगे, थोड़ा हाई स्पीड पे भी चला के देखेंगे, बस हम ये वाले रूट से बाहर आ जाएं। बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि सफिशियंट है, आपको कहीं भी टकराने जैसा इशू नहीं आएगा। और प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना, वेट टू पावर रेशो इसका इतना सही है, आप अभी यूट्यूब पे बहुत सारी ऑफ रोडिंग वीडियोज़ अपलोडेड है जिसमें थार वर्सेज जिमनी को बहुत सारे लोगों ने ऑफ रोड करा है। जिस जगह थार फंस रही थी ना, वहाँ जिमनी इजिली निकल रही थी सिर्फ इसके वेट टू पावर रेशो के कारण। मेरे ख्याल से 350 से 400 किलो का फर्क है थार और इसके वेट में, जिसके कारण ये कहीं भी कीचड़ वाले एरिया में इजीली निकल जाती है एफर्टलेसली। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है, मतलब आप अगर प्रैक्टिकल ऑफ रोड करना चाहते हो ना, तो आपके पर्पस को ये फुलफिल करने वाली है। अब यहाँ से थोड़ा हाईवे पे आ गए, हाईवे पे हम बॉडी रोल चेक करेंगे। अब एज अ ऑफ रोडर तो आपने बहुत वीडियोज देखी होगी, रोड की भी वीडियोज, मतलब ऑफ रोडिंग पे तो ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है। बट बहुत से लोगों को ऐसा रहता है ना, ओनर्स कुछ सोच रहे होंगे कस्टमर्स की, यार हम इसको वीकेंड ऑफ रोड के लिए कंसिडर करेंगे, हमारी यूजली तो हाईवे राइड्स रहने वाली।
सो अभी आप देख सकते हो मैं 80 की स्पीड पे ड्राइव कर रहा हूँ। सबसे पहले पीछे कोई भी नहीं आ रहा, बॉडी रोल चेक करते हैं। सो आप देख सकते हो बिल्कुल भी मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, काफ़ी बढ़िया थी यार, मतलब कहीं भी ऐसे जर्क्स फील नहीं हुए, बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं था गाड़ी में। ब्रेक टेस्ट भी करते हैं इसके एक बार। ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है, 16 इंचेस के आपको इसमें व्हील्स प्रोवाइड करें। अब देखो पावर की बात करें ना, बिकॉज अगर आप इसको थार रियर व्हील ड्राइव से कंपेयर करते हो, थार में फॉर श्योर आपको डीजल इंजन पेट्रोल इंजन जैसा पंच देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज उसमें 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और इसमें आपको अराउंड 134 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। बट ये आपको बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं लगने वाली है, मतलब अभी मैं जितनी भी चलाई ना मुझे बिल्कुल भी अंडर पावर फील नहीं हुई। और यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आप देख सकते हो 8.1 है, मैं इसको भी जीरो कर लेता हूँ, तो जितनी जिस हिसाब से हम ड्राइव कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर अभी करंट फ्यूल इकोनॉमी भी शो कर देगा। टर्निंग रेडियस की बात करें तो आपको सिटी यूज में भी बहुत इजी रहने वाली है, बिकॉज सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सब 4 मीटर के अंदर आती है। 3985 mm के कुछ लेंथ है, एग्जैक्ट लेंथ आपको भी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो आप अगर सिटी कम्यूट के लिए भी इस कार को यूज़ करना चाहते हो तो ऑल पर्पज़ ड्राइव आपको ये देने वाली है। बट जिमनी को आप कहीं भी ड्राइव कर सकते हो, लंबी हाईवे ड्राइव्स करनी है तो आप इजीली कर सकते हो। लाइक अभी मैं देखो इसको इकोनॉमी पे चलाऊंगा ना, आप एवरेज फ्यूल इकोनॉमी खुद देखते जाना कैसे इंप्रूव होते जाएगी। अभी अराउंड 11.6 हो चुकी है कि टॉप एंड चेक करते हैं कितनी जाती है। रेड स्टिल 5500 RPM। देख सकते हो यार 100 की स्पीड भी इतनी इजीली क्रूज कर रही है, अंदर कुछ भी बॉडी रोल वगैरह वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे। नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आ रहा है यार, मतलब आपको एक SUV वाला फील भी ये देने वाली है। 100 की स्पीड पे कांस्टेंट में ड्राइव कर रहा हूँ, 5500 RPM तक ही रेव करता है इंजन और इतने क्विक गियर शिफ्ट करता है ना, बिकॉज ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, 4 स्पीड ऑटो गियर बॉक्स के साथ आता है, पैडल शिफ्टर जैसे कुछ भी आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। बट एक सबसे खास बात यही लगी ना कि इसमें आपको जो गियर चेंजिंग हो रही है वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगी, इतनी स्मूथ गियर शिफ्टिंग है। सो यहाँ से अभी जैसे ही थोड़ा खाली पैच मिलता है मैं इसको आपको थ्रॉटल देकर दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप 5500 RPM तक रेव हो रही है। एंड यार जितने लोगों का मिथ है ना कहीं आपको ये गाड़ी अंडर पावर लगने वाली है, मैं यही बोलूंगा एक बार टेस्ट ड्राइव लेकर देखो, बहुत फन टू ड्राइव ये गाड़ी है, मतलब मजा आ रहा है इसको चलाने में। देख सकते हो आप सो अभी 100 पर भी ब्रेक टेस्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ से हमको टर्न लेना है। ब्रेकिंग बढ़िया, मतलब मैंने एकदम इमीडिएट भी ऐसी प्रेस नहीं करी और जगह पे गाड़ी रुक चुकी है। एक नेगेटिव मुझे ये लगा कि यार इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, मेरी हाइट 5'6" है। हालांकि डिज़ाइन ऐसे करिए सीट की हर किसी को बोनेट का व्यू प्रॉपर दिखने वाला है, जैसा कि आप कैमरे में भी देख पा रहे हो, तो आपको जज करने में काफ़ी इजी रहेगा, स्पेशली आप सिटी में या ट्रैफिक वाले एरिया में चला रहे हो। बट यार सीट हाइट एडजस्टमेंट कंपनी दे देती तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी जो पावर विंडो के कंट्रोल से फ्रंट टू डोर के आपको यहाँ पर मिलते हैं और रियर डोर्स के यहाँ पर भी मिल जाते हैं और पैसेंजर्स के पास भी प्रोवाइड करे गए। ओवरऑल इंटीरियर देखोगे तो देखो स्पेसिफिकेशंस तो बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर सपोर्ट करेगा, तो वो सारे तो जो मारुति सुजुकी अपनी कार्स में दे रही है वो तो यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। बट इस बार इंटीरियर में नया एक थीम आपको देखने को मिल रही है, मतलब एक ऑफ रोडिंग गाड़ी वाला एक फील दे रही है इंटीरियर देख के। मारुति को कुछ ना कुछ अपने स्टेयरिंग में चेंज कर देना चाहिए यार, बिकॉज सच में ये वाला स्टेयरिंग देख के मैं खुद भी बोर हो चुका हूँ। इसमें कहीं ना कहीं अगर अपग्रेड करेगी कंपनी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर कंपैरिजन की बात करें ना तो इंडियन सेगमेंट में 3 गाड़ियां हैं जिमनी को इंक्लूड करके जो ऑफ रोड में, जिनका काफ़ी बढ़िया नाम है, जैसे कि जिमनी तो अभी रिसेंटली आई है, थार का तो काफ़ी बढ़िया नाम है ही, अलग ही फैन बेस है, और एक गुरखा आती है फोर्स की, जैसा कि आप देख सकते हो फ्रंट में थार आ रही है मॉडिफाइड। तो ये 3 गाड़ियां हैं काफ़ी डिमांड में रहती है, थार तो पहले से ही है। तो यार मैं बताना चाहूंगा जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी प्रोवाइड कर रहा है ना, उस प्राइस पॉइंट पे आपको इंडियन सेगमेंट में कौन सी भी 4x4 गाड़ी प्रोवाइड नहीं होती है। अब सबसे बड़ा मिथ मैं ये क्लियर करने वाला हूँ, जो सारे लोग बोल रहे हैं ना कि यार थार की बात अलग है, थार की बात अलग है, वो बात तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, थार को एक चलाने का अलग फील है। बट जहाँ फैमिली पर्सपेक्टिव से कार ले रहे हो ना, अब ये 5 डोर इस प्राइस पॉइंट पे प्रोवाइड कर रही है और 2 डोर गाड़ी आती है थार, तो अब जहाँ कहीं अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने मम्मी पापा को भी आपको रियर सीट पर बिठाना है ना, तो आपको फ्रंट सीट आगे लेके पीछे बिठाना पड़ती है, जो बहुत ही बेकार चीज़ है। मतलब आपको 1-2 बार के लिए तो अच्छा लगेगा, बट जब आप हमेशा ड्राइव कर रहे हो, फ्रंट सीट पूरी आगे लेके पीछे जाना
पड़ रहा है, तो यार कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ही डिसकम्फर्टेबल है। और इसकी रियर सीट्स में आप बैठ के देखोगे और थार की रियर सीट्स में आप बैठ कर देखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं जिमनी ज़्यादा प्रैक्टिकल कार लगने वाली है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिनसे थार लवर्स को कहीं भी कुछ ऐसी बात लगे, थार देखो अपनी जगह बेस्ट है, बट मैं जहाँ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ ना, ये गाड़ी आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ में रहने वाली है। अब वैसे तो थार भी 5 डोर आने वाली है, बट उसकी प्राइसिंग किसी को भी नहीं पता है कि यार कितनी प्राइसिंग रहेगी, बिकॉज ये तो आपको 17.5-18 लाख में टॉप वेरियंट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और इसके जो बेसिक वेरियंट है उसमें भी आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, बिकॉज मारुति सुजुकी नेक्सा का जो जेटा वेरियंट है वो अगर आप बलिनो फ्रॉन्ग सब में देखोगे तो सेकेंड ऑफ वेरियंट ही कहलाता है। फीचर ओरिएंटेड ये गाड़ी रहने वाली है, और थार से मैंने बड़ा डिफरेंस बता दिया। पावर लैग इसमें फील नहीं होने वाला, बट थार से भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं पावर का, उसके पावर का अपना मजा है। वेट टू पावर रेशियो के कारण इजिली आपकी गाड़ी कहीं भी फंसने नहीं वाली, इजिली निकल जाएगी, तो वो एक बड़ा एडवांटेज रहने वाला है। ओवरऑल तो यार मेरा फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा, मैं भी खुद इसको प्रैक्टिकली चेक कर रहा था, इसलिए इतना बहुत जगह आपने कट्स देखे होंगे वीडियो में, बट ओवरऑल तो यार ये ऑफ रोड पैस पे चलाने का एक अलग ही मजा है, मतलब अंदर बिल्कुल भी फील नहीं होता। ऑल राइट गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। ओवरऑल सारे स्पेसिफिकेशंस मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।